अभी अभी बहुत ही दुखद भरी खबर मिली है कि नेताजी या धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 में हुआ था और आज ही के दिन 10 अक्टूबर मंडे 2022 उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली। वो 10 दफा असेंबली इलेक्शन जीते थे, 7 दफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हाल फिलहाल में वो लोकसभा के मेंबर थे मणिपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। उनके देहांत के बाद जितने भी बड़े बड़े नेता है हमारे देश के, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सब ने अपना दुख जाहिर किए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कहे कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव डिमाइस इरिपेरेबल लॉस टू कंट्री। अमित शाह ने भी कहे मुलायम सिंह यादव विद इज अनपैरेलल्ड पॉलिटिकल एक्यूमेन रिमेन एक्टिव इन पॉलिटिक्स फॉर डिकेड्स, सदियां याद रहेंगी। उन्होंने ट्वीट भी करे जो आपकी स्क्रीन पे है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिचेस्ट गुरुग्राम्स मेडांटा हॉस्पिटल वेयर वेटरन पॉलिटिशियन मुलायम सिंह यादव टू हिज लास्ट ब्रीथ टूडे। भले ही मुलायम सिंह यादव एंटी कांग्रेस थे, उसके बावजूद प्रियंका गांधी ने भी अपना दुख जाहिर किए इतने बड़े नेता के देहांत पे। उन्होंने कहे प्रियंका गांधी रिमेम्बर्स यादव अनपैरेलल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन पॉलिटिक्स। और योगी आदित्यनाथ सीएम ऑफ यूपी, उन्होंने भी अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने कहे ही मुलायम सिंह वॉज एन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ द समाजवादी आइडियोलॉजी, ही वॉज ऑल्सो द सेंटर ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स फॉर 5 decades। पिछले 50 सालों से सेंटर और स्टेट में मुलायम सिंह यादव का अहम रोल था। ही ऑल्सो लेड हिज पार्टी इन द विधानसभा एंड विधान परिषद एंड लेड द स्टेट 3 times एस सी एम। वो यूपी के 3 times सीएम भी बने। तो हम भी बहुत ज्यादा अपना दुख जाहिर करते हैं मुलायम सिंह यादव की डिमाइस पे, और अखिलेश यादव के साथ हमारी कॉन्डोलेंस हमेशा रहे।